Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step. This is Pratik Devangar in front of you. After a long time, I am continuing my YouTube channel to make your concept about structure analysis much more stronger with my animation videos. So stay tuned with me. We have learned about the various concepts of static indeterminacy. You can go through that again and revise it. The link is given in the I button. And from today, we will learn about the kinematic indeterminacy. So, let's begin. What is kinematic indeterminacy? Kinematic indeterminacy hota kya hai? Kinematic indeterminacy ko hum directly degree of freedom se relate kar sakte. And degree of freedom kya hai? Degree of freedom is the independent displacement. Independent displacement of any joint of a beam, any member, anything. Kinematic indeterminacy को हम एक practical example के थ्रू समझते हैं. Like here, एक छोटे से room का frame है. इस room में like चार column है, चार beam है. अब हम इस किसी भी एक beam को consider करते हैं. इस beam में हम दो joint consider करते हैं, joint A and joint B. तो जॉइंट ए को हम बात करें तो जॉइंट ए में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है. अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें और ये बीम को हम एक्सटेंसिबल मेंबर देखें लाइक अ रबर, तो रबर में आप किसी भी एक जॉइंट को कितने तरीके से मूव करा सकते हैं. तो अगर टू डी में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये लॉन्गिट्यूडनली मूव हो सकता है, दूसरा ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, एंड थर्ड इसका रोटेशन भी हो सकता है. So, हमारे पास एक जॉइंट में तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड ट्रांसवर्स एंड थर्ड इज रोटेशन. सो इस बीम में हमारे पास दो जॉइंट है, इसका मतलब कि एक जॉइंट में तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है. सो दो जॉइंट में टोटल सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. सो इस बीम का डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होगा सिक्स. Now, आप assume कीजिए कि इस बीम में हम दोनों एंड में सपोर्ट लगा देते हैं. एक एंड में हम हिन सपोर्ट लगाते हैं, दूसरे एंड में हम रोलर सपोर्ट लगाते हैं. सो हिन सपोर्ट में हम दो रिएक्शंस ऑब्टेन करेंगे अगर हम कहीं भी इस बीम पे हम लोड लगाए तो. पहला रिएक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में और दूसरा रिएक्शन होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन. सो हिन सपोर्ट में दो रिएक्शन आते हैं, इसका मतलब रिएक्शन अगर आ रहा है तो उसमें उसका मूवमेंट नहीं होगा. सो हमारे पास बचता है एक तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज रोटेशन. सो आई मीन हीन सपोर्ट में दो रिएक्शन आते हैं और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. तो एक हीन सपोर्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वन. अब हम रोलर सपोर्ट की तरफ देखते हैं. रोलर सपोर्ट में लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में अगर ये मेंबर एक्सटेंसिबल है तो ये मूव कर जाएगा क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा. और ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर हम लोड लगाते हैं तो रोलर सपोर्ट ट्रांसफर डायरेक्शन रिस्ट्रेन करेगा. सो इसमें इसकी ट्रांसफर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी नहीं रहेगी. एंड थर्ड है कि रोटेशन, रोटेशन रोलर सपोर्ट में अलाउड रहता है. हेंस रोलर सपोर्ट अगर रहा तो हमारे पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे. Hence, in this case, in this beam model, we have total 3 degree of freedom. 1 is at the hinge support and 2 is at the roller support. तो ये एक simple सा example था degree of kinematic indeterminacy का. अब हम वापस चलते हैं अपने previous room के frame model पे. अब हम इस room का एक front वाला frame out करते हैं. अभी हम assume कर रहे हैं कि ये जो room बना है वो एक रबर का बना हुआ है, एक एक्सटेंसिबल मेंबर का बना हुआ है. तो अब हम इस रूम का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे. वैसे तो मोस्ट ऑफ दी जनरल केस में, प्रैक्टिकल केस में किसी भी बिल्डिंग का सपोर्ट जो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड सपोर्ट रहता है. बट हियर हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे हम एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट लेंगे, दूसरी तरफ हिन सपोर्ट लेंगे. सो अगर हमारे पास ये एक फ्रेम है तो इस फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम हर एक जॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं.
लाइक कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फेक्ड सपोर्ट। फेक्ड सपोर्ट में आपको पता है कि तीन रिएक्शन आते हैं, और तीन रिएक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि फेक सपोर्ट कहीं भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। सो अगर तीन रिएक्शन आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि ये एक तो ट्रांसफर डायरेक्शन भी अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, और तीसरा ये रोटेशन भी अलाउ नहीं करेगा। सो फेक सपोर्ट में इस जॉइंट में टोटल जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जॉइंट। सिंस ये जॉइंट, इसमें कोई भी सपोर्ट किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये एक्सटेंसिबल मेंबर है, तो इस जॉइंट में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्सली मूव करा सकता है, ट्रांसवर्सली अगर लैटरल लोड आया तो वो ट्रांसवर्स मूव कर सकता है, और तीसरा ये जॉइंट रोटेट कर सकता है। सो इधर हमारे पास होंगे टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जॉइंट की तरफ। सिंस ये एक्सटेंसिबल मेंबर है, तो अगर हमारे पास कोई भी लोड आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंटली डिस्प्लेस होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम देखते हैं ये थर्ड जॉइंट में इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर हम इसको लेटरली अगर हम खींचें तो ये एक्सटेंसिबल मेंबर है, तो ये मूव कर जाएगा, ये जो दूसरे जॉइंट का मूवमेंट तीसरे जॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा। इन दैट केस इसका एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक ट्रांसफर डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फिर से वही रोटेशन। तो इस केस में भी हमारे पास टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अब हम मूव करते हैं फोर्थ जॉइंट पे। फोर्थ जॉइंट पे हमारे पास सपोर्ट है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का केस आपको पता ही है कि ये दोनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करता है, सिर्फ रोटेशन अलाउ करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंज सपोर्ट में कितना रहेगा, सिर्फ 1। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मॉडल का हो गया, फर्स्ट फिक्स सपोर्ट का 0, सेकेंड सपोर्ट सेकेंड जॉइंट का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड जॉइंट का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड हिंज जॉइंट का ओनली 1। टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए एक एक्सटेंसिबल मेंबर के लिए टू डायमेंशनल।